सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार अयोध्या में राम मंदिर के लिए केंद्र सरकार के ट्रस्ट बनाने की घोषणा के साथ ही यूपी सरकार ने मस्जिद के लिए 5 एकड़ जमीन देने की भी घोषणा कर दी है। लेकिन सरकार ने जो जगह देने की पेशकश की है उसे लेकर मुस्लिम पक्ष और अयोध्या के आम मुसलमान में नाराजगी है। बुधवार को राष्ट्रीय कैबिनेट की बैठक के बाद सरकार के प्रस्ताव और कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने बताया, कैबिनेट की बैठक में 5 एकड़ जमीन का प्रस्ताव पास हो गया है। हमने 3 विकल्प केंद्र को भेजे थे जिसमें से एक पर सहमति बन गई है। यह जमीन लखनऊ अयोध्या हाईवे पर अयोध्या से करीब 20 किलोमीटर दूर है। बताया जा रहा है कि राज्य सरकार ने 2 अन्य जमीनों के जो प्रस्ताव भेजे थे वो अयोध्या प्रयागराज मार्ग पे थे। राज्य सरकार मस्जिद के लिए 5 एकड़ जमीन सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर देने जा रही है, लेकिन अयोध्या के तमाम मुसलमान और इस विवाद में पक्षकार रहे कई लोग इतनी दूर जमीन देने के प्रस्ताव का विरोध कर रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य जफर याब जिलानी ने सरकार के इस प्रस्ताव पर सवाल उठाए हैं। जिलानी का कहना है, यह प्रस्ताव 1994 में संविधान पीठ के इस्लामिक फारूकी मामले में दिए गए फैसले के खिलाफ है। उस फैसले में यह तय हुआ था कि केंद्र द्वारा अधिग्रहित 67 एकड़ जमीन सिर्फ 4 कार्यों, मस्जिद, मंदिर, पुस्तकालय और ठहराव स्थल के लिए ही इस्तेमाल होगी। ऐसे में मस्जिद के लिए जमीन इसी 67 एकड़ में से दी जानी थी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर यह जमीन सुन्नी वक्फ बोर्ड को दी जानी है, लेकिन सुन्नी वक्फ बोर्ड से इस बारे में कोई आधिकारिक प्रक्रिया नहीं मिल पाई है। हालांकि बोर्ड के एक सदस्य अब्दुल्ला रजा ने निजी अखबार को बताया कि वह जमीन देने का कोई मतलब नहीं है, बोर्ड की बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकार न करने का दबाव बनाया जाएगा। राज्य सरकार ने मुसलमानों को मस्जिद बनाने के लिए धुनीपुर गांव में जो 5 एकड़ जमीन देने का ऐलान किया है वह अमूल्य मस्जिद स्थल से करीब 25 किलोमीटर दूर है। यह गांव अयोध्या जिले के सोहवाला तहसील में आता है और रोहनिया थाने से कुछ ही दूर पर है। अयोध्या में बाबरी मस्जिद की जमीन के लिए मालिकाना हक की लड़ाई लड़ चुके एक प्रमुख पक्षकार हाजी महबूब को राज्य सरकार का यह फैसला रास नहीं आ रहा। हाजी महबूब कहते हैं, इतनी जमीन देने का कोई मतलब नहीं, अयोध्या का मुसलमान वहां जाकर नमाज नहीं पढ़ सकता है। हम तो पहले ही कह चुके हैं कि हमें जमीन नहीं चाहिए, लेकिन यदि देना ही है तो इसे अयोध्या में ही और शहर में ही देना चाहिए। अयोध्या के मुसलमान तो इसे स्वीकार नहीं करेंगे। इस मामले में एक अन्य पक्षकार रहे इकबाल अंसारी कहते हैं कि उन लोगों से इस बारे में कोई राय ही नहीं ली गई कि जमीन कहां दी जानी है। इकबाल अंसारी को भी यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं है। वो कहते हैं, बाबरी मस्जिद अयोध्या में थी और उसके लिए जमीन भी वहीं दी जानी चाहिए। जहां पहले से ही मस्जिद है उसे भी विकसित किया जा सकता है। अगर सरकार अयोध्या में जमीन नहीं देती है तो लोग घर में भी नमाज पढ़ लेंगे। 25-30 किलोमीटर दूर जमीन देने का क्या मतलब है। बताया जा रहा है कि धनुपुर गांव में जिस जगह जमीन देने का सरकार ने प्रस्ताव पास किया है वह मुसलमान आबादी के करीब है और पास में एक दरगाह है जहां हर साल मेला भी लगता है। लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तमाम सदस्य राज्य सरकार के इस फैसले का विरोध कर रहे हैं और सुन्नी वक्फ बोर्ड पर भी इसे स्वीकार न करने के लिए दबाव बना रहे हैं। पर्सनल लॉ बोर्ड के एक वरिष्ठ सदस्य मौलाना यासीन उस्मानी का कहना था कि सुन्नी वक्फ बोर्ड मुसलमानों का नुमाइंदा नहीं है, वह सरकार की संस्था है। हम बोर्ड से जमीन न लेने का अनुरोध कर रहे हैं, लेकिन बोर्ड यदि जमीन लेता है तो इसे मुसलमानों का फैसला नहीं समझा जाना चाहिए। पिछले साल 9 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट की असंवैधानिक पीठ ने अयोध्या में मंदिर मस्जिद विवाद का फैसला सुनाते हुए अधिग्रहित जमीन रामलला को दे दी थी। सुन्नी वक्फ बोर्ड को मस्जिद के लिए 5 एकड़ जमीन देने का सरकार को निर्देश दिया था।